कैसे करूँ तुझ पे वेस्ट, मेरे पास नहीं कोई डैडी मनी। तू जा रही है, चल निकल। वो दिल दिया वो चढ़ी जा रही मेरे सर पे। नखरे कम कर बेबी थोड़ा चिल लो। मैं कहता दिल दो, वो कहती बिल दो। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है तुम ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। आसिम अजहर, शमून इस्माइल, तलहा अंजुम, तलहा यूनिस, रामेज। ओके, तो ये बहुत, आई मीन इतने सारे नाम है यहाँ पे, तो बहुत तगड़ा कोलैबोरेशन है मे बी शायद। ओके, सो लिखा भी है द बिगेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ द ईयर इज हियर। सो 2020 में आया ये गाना 2 जुलाई, पर कोई बात नहीं, हम लेट हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा ये नया चैनल है, तो मैं अभी ज़्यादा गाने सुन रही हूँ यंगस्टर्स के भी। और मैंने जो पिछले गाने पे रिएक्ट किया था याद पे, तो उसके बाद सबने मुझे ये इस गाने की सजेशन दिए। तो लेट्स सी ये गाना कैसा होने वाला है। आसिम अजहर को हम सुन चुके हैं, यंगस्टर्स को हम सुन चुके हैं, बाकी नए आर्टिस्ट मेरे लिए हैं शमून इस्माइल और रामीज। तो लेट्स सी ये गाना कैसा होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो पिछला वाला गाना था वो तो भैया बहुत ही बढ़िया था, बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी ये गाना कैसा होने वाला है। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट में मुझे आगे के गाने बताने हैं। और अगर आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, तो साइड में एड दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो जाके फॉलो करो। और अगर आप चाहते हो मेरे ब्लॉग चैनल को चेकआउट करना, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वो भी चेकआउट कर लेना। सो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं कि If you choose one, you will love you will always be poor. Correct. Okay, starting ही ऐसे ही है। ऐसे मजा है। जब एक बार इंसान प्यार में पड़ जाए ना, तो गलत भी सही लगने लगता है, और सही सही तो कुछ रहता ही नहीं है बॉस। कुछ नहीं रहता। दीवानगी मेरी है खुश नसीब, तू भी कैसा बनाया तूने राजा। अफसोस है खुद पे किया यकीन तुझ पे, फिर भी क्यों तुझको सिर्फ चाहा। तेरे लिए मैं लाया वो लाया ये क्यों सारी रात जागता रहा, सोच में किस तरह से करूं बात, हो गई बस चल सकेगा अब साथ, नोट तेरे तेरे मूड स्विंग और स्टैंडर्ड से मुलाकात। अरे तेरे बस में ना ले गई, तेरे खर्चे हजारों क्यों इतने नखरे पालूं, टूट गई मेरे बस में ना हो जाना, तेरे खर्चे हजारों क्यों इतने नखरे। तू दिल की ता चोरी तेरे हाथ विच डोरी, तेनू पता ते मैं सॉरी, तेनू दस देना फोरी, सोचता सी कदी हंसते से पसते से, लुकिंग लाइक अ फैंटेसी आर यू सिटिंग नेक्स्ट टू मी, पर तू मेरे बस च नहीं, तेनू चाहिए ने लुई हैट्स गुची बैग्स more things to brag about, sushi all the food we had, truth is that kudiye tu rude relax on main chadna ni suli te tenu chahida jo toon di re nice tenu chhad you go searching jada chuke tere kharche hey mere bas mein na ho jana tere kharche hazaron kyun itne nakhre paalo okay concept sab almare तेरे खर्चे हजारों क्यों इतने नखरे। चल ओके जा जा ब्रो, गुड लक। Yeah.
मूड स्विंग ऐसे वसीम अकर टेंशन में, मैं जैसे पेंशन पे और तू बैठी मेंशन में, डीएम पे हुआ ख्यालों का तबादला, जो तेरे पीछे उनसे हो जाए मुकाबला। तू चलती फिरती ब्रांड का दिल हसीना, मेरा सुपर कार्ड पे ही कट जाता पूरा महीना। टिकटॉक बनाती तू, ट्विटर पे ट्रेंडिंग, माना जेब थोड़ी हल्की पर करूंगा हैप्पी एंडिंग। नो डाउट मैं तेरा मिस्टर राइट, ऑल लाइट बस करे पिलो फाइट, होल्ड टाइट ए। आजमा के देख तेरे डैडी भी कहेंगे ये पीस बहुत टाइट है। नखरे कम कर बेबी थोड़ा चिल लो, मैं कहता दिल दो और वो कहती बिल दो। होती है फ्रेंड क्यों, आई एम जस्ट प्लेइंग, वे होता क्रेडिट कार्ड ना पुली, यू नो हु इज पेइंग। ऐसा लगे जैसे अब तू मेरे बस में ना, रियल टॉक खाता बिला वजह कस में ना, तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन, लेकिन देखे जाते मुझसे तेरे शश के ना। लुई बैग से निकालती वो एक्स मैक्स, फ्लेक्स करे लेकिन करती नहीं टेक्स बैक, ख्वाहिशात की वो कैदी बनी, कैसे करूं तुझ पे वेस्ट, मेरे पास नहीं कोई डैडी मनी। तू मेरे लिए सबसे बढ़ के, तुझसे मिलने आता मैं यारों को टोपी करके, दिल में जगह दी वो चले जाती सर पे, तेरे बिल्स पे करूं या खर्चा दूं मैं घर पे। दिल देने में क्या हर्ज है, लेकिन खत्म ही नहीं होते तेरे खर्चे। I swear to God मेरी बस है, yeah, I swear to God मेरी बस है। तुम मेरे बस में ना हो जाना, तेरे खर्चे हजारों, क्यों इतने नखरे पालूं। तुम मेरे बस में ना हो जाना, तेरे खर्चे हजारों, क्यों इतने नखरे। Snoop Talk with root bot, per khoob bot, bole mo pe jhoot bot, Eva and the booth loose talk, maaf karna main ghusse mein idhar udhar nikal jata, phir bhi de dun goosebumps like Tupac. You're too hot to handle, I'm on the root love, main upar, wo cute bird, nakhre uske jaise Kylie Jenner par, main tiger nahi, koi fayda nahi, wo driver wali, main bajoo in Ubers. Money in a thing, meri baatein kare bling bling, mood swing karun, agar queen wo to king main, devil jin main, aasim mera wingman, self made, jab bhi tujhe dekhun, aankhein hoti blink nahi, jaise pink man. Drama with the film man, building your element, still chill man. Hello. You know what's good, girl, why I send a feeling. Nahi, sorry, paanchwa. Tere bas mein na ho jana, tere kharche hazaron, kyun itne nakhre paalun. Tum, mere bas mein na ho jana, tere kharche hazaron, kyun itne nakhre. किसी से नहीं पढ़ी और सबको लूट ले गई। आई थिंक नई लड़की की एंट्री। लाइफ गोज ऑन, शुड बी कंटिन्यूड। तुम ओके सो ये गाना बहुत ज्यादा कमर्शियल टाइप सॉन्ग था, और रैपर्स के बीच में आसिम अजहर और यंग स्टनर्स, रामिस और शामून के बीच में एक एक्ट्रेस भी दिखी, और एक और लड़की थी, मॉडल थी शायद वो, और जो लास्ट में दिखी हैं मैंने उनको और भी मतलब वो एक्ट्रेस हैं, और मैंने उनके एक दो सीरियल देखे भी हैं, और बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं, बहुत गोरी चिट्टी हैं और बहुत सुंदर लगती हैं वो, उनको मैंने देखा हुआ है सीरियल में, और लास्ट में वो दिखी वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा कोई और लड़की होगी। सो कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया था और मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, क्योंकि मैंने जब भी यंगस्टर्स को मैं सुनती हूँ तो ऐसा रहता है कि अब क्या सुनने को मिलने वाला है। सो ये जब कमर्शियल टाइप गाना शुरू हुआ सी मज़ल से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि अंजुम और यूनिस का वर्स कैसा होने वाला है, और वो लोग कैसे मतलब इस कमर्शियल में कैसे बैठेंगे, अपने वोकल्स और लिरिक्स को कैसे पिरोएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, और जब उनका लिरिक्स आया मज़ा आ गया। तो और जो शामून और रामेश का वर्स भी काफ़ी अच्छा था, और आसिम अजहर तो आप लोगों को पता ही है बहुत ही बढ़िया सिंगर हैं, और मज़ा आ गया उनका भी जब उनसे स्टार्टिंग हुई, मतलब सारे बंदे एक एक करके लड़की के पास जा रहे थे, अपनी किस्मत आजमा रहे थे उस लड़की के साथ, और ये थोड़ा गोल्ड डिगर टाइप था, वो लड़की गोल्ड डिगर थी, पैसे के पीछे ही भाग रही थी, और स्टार्टिंग में आसिम अजहर को ड्रिंक में कुछ मिला दिया और पैसा और गाड़ी लेके चली गई।
तो जो भी भाई एकदम रियलिटी थी, होता है ऐसे कुछ होती है लड़कियाँ भी, तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने सोचा नहीं था। और यंग स्टैंडर्स के मैंने मोस्टली जो ऑडियो होते हैं वो ज़्यादा सुन रखे हैं, तो वीडियो जब मुझे वीडियो देखने को मिलती है तो मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और ये बहुत तगड़ा कोलैबोरेशन था, लिटरली बहुत तगड़ा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था। आई थिंक ये 6 मिनट का गाना था और ऐसा लग रहा था कि 3 मिनट में ही ख़त्म हो गया है। बहुत बढ़िया गाना था। और रामी थे आई थिंक वो जो लड़की के पास जाते हैं, बालकनी चढ़ के जाते हैं, तो उनका भी वर्ड्स काफ़ी मतलब एंटरटेनिंग था, जिस तरीके से उन्होंने लिरिक्स लिख रखे थे कि उस लड़की के पास जाते हैं और वो लड़की धक्का दे देती है और गिरने के बाद भी ब्लड निकल रहा होता है सर से, और उसमें भी वो लिरिक्स बोल रहे होते हैं उस टाइम पे, तो वो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, गिरते हुए दिखाया और फिर वो बोल रहे ना, तो बहुत हंसी आ रही थी। और उनके लिरिक्स थे, नखरे कम कर बेबी थोड़ा छिल लो, मैं कहता दिल दो वो कहती बिल दो, तो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग था उनका पार्ट और उनका वर्ड्स। और लिरिक्स काफ़ी बढ़िया लिख रखे थे सब ने, रामेश का भी आई थिंक वो रामेश ही थे, तो उनका भी जो उनको वो था लिरिक्स लिख रखे थे, वो राइमिंग कितनी अच्छी, बिल दो चिल लो बिल दो, ये वाली लाइन जो थी राइमिंग थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। और उसके बाद तलांजुम तलांजुम, तो तलांजुम की भी काफ़ी सारी लाइंस, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं तो यही सोचती थी कि इस कमर्शियल में कैसे मतलब वो लिरिक्स लिखेंगे और कैसे गाएंगे, ये एक्साइटेड हो रही थी मैं जब जैसे गाना शुरू हुआ। और सच्ची में मतलब कोई भी म्यूज़िक ला के दे दो ना यंग स्टनर्स को, वो बस अपना बेस्ट देते हैं, हमेशा बेस्ट देते हैं, कोई कमी नहीं लगती। और तलांजुम की लिरिक्स थी कि तुझसे मिलने आता यारों को टोपी करके टोपी करके तेरे से मिलने आता हूँ, ना वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। और भी लाइंस थी कि कैसे करूँ तुझ पे वेस्ट, मेरे पास नहीं कोई डैडी मनी, तो वो भी लाइन काफ़ी बढ़िया थी, मेरे पास कोई डैडी मनी नहीं है, जो करता हूँ मैं खुद करता हूँ, तो मैं तेरे पे कैसे वेस्ट करूँ। और ये भी बोला कि उसको उसको तो उसको दिल दिया वो चढ़ी जा रही मेरे सर पे, मैं तेरे बिल पे करूँ या खर्चा दूँ मैं घर पे। तलांजुम माय गॉड क्या लिरिक्स लिखते हैं ना, राइमिंग के साथ, मतलब सबका पार्ट जो था वो बेस्ट था, किसी में भी कोई भी कमी नहीं थी। तला यूनिस भी एकदम बढ़िया है, और स्वैग था, सारे लड़के तो मतलब चाह रहे थे कि लड़की हो मेरे साथ, है ना। और तला यूनिस एक कैसा लग रहा था, तू जा रही है चल निकल, जा रही है तुझे कोई और पसंद आ गया ठीक है निकल भाई, कूल है तला यूनिस भी बहुत ज़्यादा। और उनकी राइमिंग्स जो यू नो तला यूनिस जो उर्दू वर्ड्स यूज़ करके, मोस्टली उर्दू वर्ड्स ही यूज़ होते हैं, तो जो यूज़ करते हैं वो वर्ड्स और उसके साथ जो रेफरेंसेस देते हैं ना, वो बहुत बढ़िया लगती है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तला यूनिस के लिरिक्स बहुत ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव लगती है ना, और इवन तलांजुम भी। सो मुझे ये गाना बहुत पसंद आया, पांचों के लिरिक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मस्त थे, कॉन्सेप्ट बहुत मस्त था, ये गाने में मुझे कोई भी कमी नहीं नज़र आई। अगेन मैं ये लाइन बोल रही हूँ कि मुझे फिर से कोई कमी नज़र नहीं आई, क्योंकि कोई कमी है ही नहीं, क्या करें यार कैसे निकाले कमी, कुछ भी कमी नहीं थी। और टू भी कंटिन्यूड बोला तो इसका कोई दूसरा भी पार्ट है क्या, मुझे बताना ओके। सो मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये बहुत तगड़ा कोलैबोरेशन था। सो यस, यही था मेरा रिएक्शन इस गाने पर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आगे मुझे बताना मैं किस पे रिएक्ट करूँ। सो मैं मिलती हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।